गांधी जयंती पर कांग्रेस का मेगा प्लान। जी हाँ, 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। पूरे देश में कांग्रेस जो है पदयात्रा करेगी। सोनिया गांधी जो है दिल्ली में पदयात्रा करेंगे, राहुल गांधी वर्धा में पदयात्रा करेंगे, प्रियंका गांधी लखनऊ में पदयात्रा कर सकती हैं, प्रदेश प्रभारी भी अपने प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कांग्रेस का ये मेगा प्लान है, पूरे देश में कांग्रेस जो है पदयात्रा निकालेगी। सोनिया गांधी दिल्ली में पदयात्रा करेंगी तो राहुल गांधी वर्धा में, लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं पदयात्रा कर सकती हैं, और वहीं प्रदेश प्रभारी जो हैं कांग्रेस के वो अपने अपने प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। तो ये मेगा प्लान 2 अक्टूबर के लिए कांग्रेस का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है करीब है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, और आने वाले दिनों में झारखंड में भी चुनाव होना है। इस चुनाव को भी देखते हुए ये कांग्रेस का जो मेगा प्लान है 2 अक्टूबर का, ये कितना सपोर्ट कर पाता है कांग्रेस को, कितनी सहानुभूति कांग्रेस बटोर पाती है, और पदयात्रा के थ्रू कांग्रेस क्या मैसेज दे पाती है लोगों को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और ये मेगा प्लान कांग्रेस ने बनाया है कि पदयात्रा निकाली जाएगी, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी, साथ ही साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं वो अपने अपने प्रदेश में पदयात्रा निकालेंगे। तो आखिर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, लोगों को मैसेज देने में कांग्रेस कितनी कामयाब होती है, विपक्ष का जो रोल है वो कितनी अहम तरीके से निभा पा रही है, सरकार की जो खामियां हैं लोगों तक क्या इस पदयात्रा के थ्रू पहुँचा पाती है, तमाम ये सवाल जहन में होंगे और देखने वाली बात होगी जो ये मेगा प्लान है पदयात्रा का, क्या वो सफल होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस जो है मेगा प्लान कर रही है पदयात्रा की। सोनिया गांधी जो है वो दिल्ली में पदयात्रा करेंगी, वहीं वर्धा से राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, लखनऊ से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पदयात्रा कर सकती हैं, और तमाम जो प्रदेश प्रभारी हैं वो अपने अपने प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। तो ये मेगा प्लान है कांग्रेस का गांधी जयंती के लिए।